good afternoon and good evening. A very warm welcome to our show Arise and Shine. क्योंकि हमारा ईमान है कि जब आप खुदा में बढ़ेंगे, ठीक है, आप लर्निंग भी कर रहे हैं, वी नो आप इंग्लिश सीख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब आप खुदा में ग्रो करते हैं तो ही डेफिनेटली मेक्स यू अराइज एंड शाइन, बिकॉज ये खुदा की लाइट है जो आप में से शाइन करती है. और खुदा ये नहीं चाहता कि आप नाकाम रहें, और ना ही वो ये चाहता है कि आप इन्फीरियर रहें. वो खुदा चाहता है कि आप बढ़ें. और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम आपको इन एपिसोड्स के थ्रू, वी कम ऑन एयर एवरी टाइम यू वॉच दिस एपिसोड्स, और हर एपिसोड में आप सीख रहे हैं इंग्लिश को, इससे सीखेंगे आप और आपके लिए खुदा और बहुत सारे ओपन करेगा डोर्स. ओनली इफ़ यू लर्न प्रॉपरली, आपके पास ये ईमान है कि खुदा आपको उठाएगा, तो खुदा डेफिनेटली आपके लिए रास्ते बनाएगा, बिकॉज खुदा वहाँ रास्ते बनाता है जहाँ कोई रास्ता नहीं होता है. ओके, लेट्स बिगिन. हम लास्ट टाइम हम लोगों ने वर्ब पर एंड किया था और हमने फॉर्म्स की बात की थी, बिकॉज टेंसेज में ये फॉर्म्स बड़ी ज़रूरी होंगी. लेकिन उससे पहले हम, क्योंकि पीछे एनिमल्स के नेम कर रहे थे, तो आज मैं थोड़ा सा वो रिपीट करूँगी, बिकॉज एनिमल्स के नेम अभी ख़त्म नहीं हुए थे. हमने कैटेगराइज किया था एनिमल्स को, और वो नेम्स में हमने बात की थी कि कुछ पेट्स होते हैं, पेट्स एनिमल, और पेट्स उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप उन्हें घर में रखते हैं, क्योंकि वो एनिमल्स फ्रेंडली होते हैं, वो आपके घरों में रहते हैं. इस तरह डॉग्स हैं, दे आर वेरी फ्रेंडली, वेरी फेथफुल, इसलिए लोग उनको घर में. इसी तरह कैट है, फिश है, ये इस तरह के एनिमल्स हैं जो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और आप उन्हें घर में रख सकते हैं, इसलिए आप उन्हें पेट्स कहते हैं या पेट एनिमल्स. इसके अलावा हमने फार्म एनिमल्स पढ़े थे, आज हम सारे नहीं करेंगे, मैं सिर्फ थोड़ी सी रिविजन कर रही हूँ, बिकॉज हमने बीच में फिर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू कर दिए, बिकॉज इंग्लिश हैज़ लॉट्स ऑफ थिंग्स, तो हम हर चीज़ ले करवा रहे हैं. हमारी पूरी कोशिश है कि हम आप जितना लैंग्वेज में कवर अप कर सकते हैं आपको सिखाने के लिए उतना करें, इसलिए हम ब्लेंडिंग भी साथ साथ करवा रहे हैं आपको, एक बेसिक कोर्स भी कवर करवा रहे हैं, और बेसिक चीज़ें इंग्लिश में, जैसे हमने ग्रीटिंग्स करवाई आपको, मंथ्स के नेम, डेज के नेम, विल कंटिन्यू दैट. हम बाइबल बुक्स के नेम्स भी आपको सिखा रहे हैं ताकि आप कम्प्लीटली इंग्लिश को सीखें और समझें, और ताकि इन दी एंड व्हेन वी फिनिश दिस कोर्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल बी एबल टू रीड एंड राइट. कोशिश हमारी पूरी है कि आप जितनी मेहनत करेंगे, रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, यू विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश. ओके, हम बात कर रहे थे कि एनिमल्स में कुछ फार्म एनिमल्स होते हैं, वो फार्म एनिमल्स जो बड़े बड़े एरिया फील्ड्स होती हैं वहाँ पर रखे जाते हैं, उनके लिए प्रॉपर जगह बनाई जाती है, उनसे आपको फ़ायदा होता है, डेयरी फार्म है या फिश फार्म है, उनको फार्म एनिमल्स कहते हैं. फिर हमने बर्ड्स के बारे में पढ़ा था, वो फ्लाई करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बर्ड्स भी हैं जिनके विंग्स होते हैं, विंग्स पर को कहते हैं, लेकिन वो फ्लाई नहीं करते. जैसे हमने पेंगुइन की बात की थी, पेंगुइन उन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ बहुत स्नो होती है, अलास्का हो गया, साइबेरिया हो गया, दीज आर द नॉर्दर्न एरियाज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो होती है या बर्फ़ होती है, और वहाँ ये रहते हैं, लेकिन ये फ्लाई भी नहीं करते, ये हल्का सा ग्लाइड ही करते हैं. सो उनको हम बर्ड्स क्यों कहते हैं, बिकॉज दे हैव विंग्स, छोटे होते हैं उनके विंग्स, अगर आपने देखे हैं पेंगुइन तो उनके विंग्स थोड़े छोटे हैं, ऑल्दो दे कैन नॉट फ्लाई. सेम इज़ द केस विद ऑस्ट्रिच, जिसको आप शुतुरमुर्ग कहते हैं, जो ऑस्ट्रिच है उसके भी विंग्स छोटे हैं, वो बहुत तेज़ भागता है, लेकिन क्योंकि उसके पास विंग्स हैं इस वजह से हम उन्हें कैटेगराइज करते हैं एज बर्ड्स. अच्छा, मैं अब थोड़ा सा हम रिविजन करेंगे, मैं नेम्स बोलूंगी और आपने आके लिखना है अब देयर स्पेलिंग. सबसे पहले डॉग, जिसको भी आते हैं आप हैंड रेस कर ले, फिर बताती हूँ. डॉग, चले आए से आप आ जाओ. गुड, डॉग. डी की साउंड क्या थी? ड. ओ की साउंड? अ. अ. जी साउंड? ग. यानी ओ से क्या बनता है? ऑरेंज, ऑक्स, अ साउंड. ठीक है, तो जी की ग, तो डॉग. डॉग, ये ब्लेंडिंग में हम साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, ताकि जो लोग अभी सिर्फ ए बी सी सीखी है आपने, क्योंकि आई नो इट टेक्स टाइम, ताकि आपके लिए ब्लेंडिंग और ये ज्वाइनिंग ईजी हो. ओके, कैट. कैट. गुड, सी ए टी. सी ए टी क्या बनता है? कैट, क्योंकि सी की फोनिक साउंड क्या है? क. ए की ए, टी ट, कैट. ओके, रैबिट. रैबिट. गुड, रैबिट. हमने क्या रूल पढ़ा था? जब सेम लेटर दो बार आए तो उसकी साउंड एक ही दफ़ा प्रोड्यूस करते हैं, तो आर ए, आर साउंड र, ए साउंड ए, तो रै डबल बी आई टी, बिट, बिकॉज आई टी की आवाज़ कहती है इट, आई साउंड ई, टी साउंड ट, इट.
सो रैबिट रैबिट, क्योंकि ये सारे पेट्स हैं इसलिए हम इनकी बात करें. ओके इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा थे फार्म एनिमल्स, क्योंकि ज़्यादा इस पर हम टाइम नहीं लगाएंगे और हमने लास्ट टाइम काफ़ी डिटेल में किए थे फार्म एनिमल्स में. ओके पहला चिकन, चिकन स्पेलिंग बताने आपने चिकन. गुड चिकन, क्योंकि ये फार्म एनिमल है, इसके फार्म्स होते हैं वहाँ इन्हें रखा जाता है. ओके टर्की, टर्की वेरी गुड, दिस इज टर्की. ऑलराइट काओ, काओ गुड, काउ. क्रैब, क्रैब आवाज, अगर आपको वर्ड आप पहली बार भी सुनते वॉइस पहचाननी है क्रैब, क्रैब और ओके बिकॉज वर्ड मैं बोल रही हूँ क्रैब, र साउंड किसकी थी आर की, सो दिस इज आर क्रैब. ओके फिर हमने बात की थी बर्ड्स की जो फ्लाई करते हैं. ओके क्रो, क्रो गुड, दिस इज क्रो. ओके रेवन, रेवन ये भी क्रो की स्पीशी होती है. अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि इट्स बिगर इन साइज एंड पिच ब्लैक, यानी सारा ब्लैक होता है. ई एन, रेवन के स्पेलिंग होते हैं आर ए वी ई एन. ओके आज हम बात करेंगे मैमल्स की, दिस इज इट. हमने आज शुरू करना है मैमल्स के बारे में, क्योंकि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि मैमल्स जो होते हैं ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्टली जो एग लेइंग नहीं है, एग लेइंग यानी अंडे नहीं देते, डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं. इसमें इंसान भी आते हैं, इंसानों की इंग्लिश होती है ह्यूमंस या मैन कहा जाता है आदमी के लिए, या वुमन अगर फीमेल की बात हो रही है. तो हम उन एनिमल्स की बात करेंगे जो बिकॉज ये भी एक कैटेगरी है जानवरों की, जिसमें जो मैमल्स हैं वो सारे वो एनिमल्स होते हैं जिनके डायरेक्टली बच्चे पैदा होते हैं, और जो उनकी मदर्स होती हैं या जो एनिमल्स बच्चे देती हैं उनके बच्चे जो हैं उनके मिल्क पर फीड करते हैं, यानी माओं के दूध पर वो फीड करते हैं. उसमें पहली आप देखें पैंडा, पी ए एन डी ए. जो पैंडा है दिस इज द वर्ड पी और ए, पै पी प ए ए पै. ओके एन इसके साथ जोड़ दें तो पैन, पैन. ओके फिर डी ए डै पैंडा, पैंडा. क्योंकि ये वाइट और ब्लैक किस्म का एनिमल होता है, जिस तरह बेयर होता है वैसे ही लगता है, लेकिन उसको कहते हैं पैंडा है. ज़्यादा ये दरख्तों पे भी रहता है और बैम्बूज खाता है. ओके इसके अलावा कैंगरू, कैंगरू कैंगरू जो होता है, जो मदर होती हैं इनकी, क्योंकि इनकी पाउच होता है सामने और जो उनका जो बेबी पैदा होता है वो छोटा होता है, तो वो उसको जब तक वो थोड़ा सा मच्योर नहीं हो जाता, कि इमेच्योर बेबी होता है, वो उसको अपने पाउच में रखती हैं. सामने पाउच होता है उसके कैंगरू के, और ये क्योंकि इसकी होती तो फोर लेग्स हैं छोटी, क्योंकि वैसे ये दो इसकी बड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेग्स होती हैं जिनसे वो चलता है या जंप करता है, जो मदर की होती हैं, जो कैंगरू एनिमल है. तो ये तब तक बेबी को कैरी करती हैं अपनी पाउच के अंदर, फिर जब थोड़ा सा बेबी बड़ा हो जाता है फिर वो इससे बाहर आ जाता है और वो भी अपनी मदर की तरह फॉलो करता है और ग्रो करता है. ओके इसके अलावा लायन, एल आई ओ एन, लायन, लायन. आई एल के साथ आई ओ एन की आवाज़ क्या बनती है, लायन, लायन. ओके लायन कहते हैं शेर को,
लायन जो है एक वो एनिमल है जिसकी इसकी जो फीमेल है उसको कहा जाता है लायनेस। लायनेस जो लायनेस होती है वो फीमेल बच्चे देती है, और क्योंकि हम वो सारे एनिमल्स पढ़ रहे हैं जो डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं जिस तरह ह्यूमंस में बच्चे पैदा होते हैं, तो इसलिए हम उन एनिमल की बात करेंगे, और फीमेल इसकी कहलाती है लायनेस, LINESES। ओके, इसके अलावा हम काओ, पीछे भी हमने फार्म एनिमल में काओ की बात की थी, क्योंकि ये सारे एनिमल्स वो हैं जो देन मंकी, सारे मैमल्स होते हैं, मंकी MONKEY, मंकी। मंकी भी एक ऐसा एनिमल है जो मैमल है। इसके अलावा गोरिल्ला, GORILLA, गोरिल्ला, GORILLA, गोरिल्ला। एक एनिमल है जिसको आप कंडेला कहते हैं ना उर्दू में, इसके कांटे होते हैं इसकी बॉडी के ऊपर, ठीक है, उसको कहते हैं इंग्लिश में हेजहॉग, हेजहॉग। आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, क्योंकि एनिमल्स के नोट्स हैं इन एवरी एपिसोड ऑलमोस्ट, मैं आपको बताती हूँ कि नोट्स अवेलेबल हैं, अगर आपको चाहिए तो पिक्चर्स के साथ यहाँ एनिमल्स दिए हुए हैं, आप जो नंबर्स आर कमिंग ऑन द स्क्रीन मोस्ट ऑफ द टाइम आप उन नंबर्स पे कॉल करके बता सकते हैं कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए हैं तो आप ले सकते हैं। ओके, इसके अलावा हमारे पास है डियर, हिरन जो होता है, DEER, डियर। डियर जो है वो भी मैमल है, क्योंकि इसके भी बच्चे होते हैं और मदर जो होती हैं वो अपने मिल्क पर बच्चों को फीड करती हैं। और फिर स्क्विरल, स्क्विरल, स्क्विरल गुलहरी की इंग्लिश है, स्क्विरल SQUIRL, स्क्विरल RELL, स्क्विरल स्क्विरल, क्योंकि QUI है तो स्क्वी, ओके, स्क्विरल RELL। जब आप इस सारी दोनों वॉइस को कंबाइन करें तो क्या बनता है, स्क्विरल, स्क्विरल। ओके, स्क्विरल गुलहरी की इंग्लिश है। आप देखते भी हैं कुछ फ्लाइंग स्क्विरल्स भी होती हैं, वो यहाँ नहीं होती, वो जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पर होती हैं, और ये दे डोंट हैव विंग्स, लेकिन वो उनकी इस तरह की उनके जो लेग्स हैं उनके दरमियान एक विंग टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसकी वजह से वो ग्लाइड कर पाती हैं, उनको हम फ्लाइंग स्क्विरल भी कहते हैं। सो इस वजह से उनको, लेकिन स्क्विरल क्योंकि स्क्विरल बेसिकली गुलहरी है, फ्लाइंग स्क्विरल इसकी एक स्पीशी है। ओके, इसके अलावा है जी लेपर्ड, लेपर्ड्स, LEOPARD, लेपर्ड्स। दरियाई घोड़े का पता है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल इंग्लिश का लंबा वर्ड है, मैं लिखती हूँ अभी यहाँ पर, उसकी इंग्लिश होती है हिपोपोटमस, हिपोपोटमस। मैं भी स्पेलिंग लिखती हूँ ताकि आप, जी HIPPO, आपके जिनके पास नोट्स हैं उनमें लिखे होंगे HIPPO, हिपोपोटमस। पहले इतनी चीज याद रखें, HIPPO क्या बनता है, हिपो, फिर दोबारा PO, पो, हिपो पोटमस, MUS, हिपो पोटमस। पहले हिपो, ठीक है, फिर पॉट, POT, मस। अब एमस नहीं बोलना, हिपोपोटामस नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं हिपोपोटामस, लेकिन इसको जब कंबाइन करते हैं कि बड़ा वर्ड है तो हम इसको बोलते हैं हिपोपोटमस, हिपोपोटमस, ठीक है, हिपोपोटमस, हिपोपोटमस। ये दरियाई घोड़े की इंग्लिश है। ओके, अच्छा, इसके अलावा एलिफेंट, हाथी को, वो भी मैमल है, एलिफेंट। ये तो जब हम साउंड्स कर रहे थे उसमें भी हमने लिखा था ई से, मैंने कहा था ई की साउंड क्या है, ए, एलिफेंट, एलिफेंट, ELE, एलिफेंट, PH। अब यहाँ देखिए PH की आवाज़ क्या प्रोड्यूस हो रही है, फ, फ, क्योंकि P के साथ क्या है, H, तो हम उसको एलिफेंट नहीं कह रहे, एलिफेंट कह रहे हैं, फ आवाज़ इसकी फ है। तो ऐसे वर्ड जिनमें आप PH लिखा हुआ देखते हैं तो आप उनको फ की साउंड देते हैं, बल्कि जब मैं आपको ब्लेंडिंग कराऊंगी वी विल डू सच साउंड जिसमें PH इकट्ठा आता है, तो आप उनको कैसे, फैरो का वर्ड सुना है आपने, फैरो, फराउन की इंग्लिश है, फराउन का तो सुना है सबने, राइट, फैरो, जब मोसेस फैरो के पास जाता है, क्योंकि ये इजिप्शियंस थे, इजिप्ट के जो किंग कह लें उनको फैरो कहा जाता था, तो वो किस स्पेलिंग से लिखा जाता है, PHARROAH, तो PH है शुरू में, लेकिन देखें अगेन फैरो PH किस वॉइस से शुरू हो रहा है, फ, सो PH साउंड इज लाइक फ, फ,
फैरो, ओके, फिजिक्स ऑल्सो, राइट, फिजिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है क्लासेस में, तो वो भी PHYSICS, फिजिक्स, ये सब्जेक्ट बड़ी क्लासेस में पढ़ाया जाता है, लेकिन वो भी पी एच से शुरू हो रहा है, लेकिन आप उसको किस साउंड से प्रोड्यूस करें, फ साउंड, तो ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे एलिफेंट, ई एल ई एल फेंट, पी एच ए एन टी की वॉइस कंबाइन करेंगे तो एंड एलिफेंट, ओके, एलिफेंट हाथी की इंग्लिश है। देन हॉर्स, हॉर्स घोड़े की इंग्लिश है, ठीक है, हॉर्स, एच की साउंड क्या थी, है, ओ र स ई, ठीक है, लेकिन अब देखें यहाँ पे कितने वाउल्स हैं, दो हैं, एच ओ आर एस ई। तो मैंने क्या बताया था आपको लॉन्ग और शॉर्ट वाउल्स में, कि जो पहला वाउल होता है उसकी साउंड प्रोड्यूस होती है, तो जो लास्ट वाला होता है वो साइलेंट। सो क्या साउंड है, हॉर्स, एस पे ही एंड हो रही है आवाज़, ई की साउंड नहीं आ रही है क्योंकि ई साइलेंट है यहाँ पर। सो दिस वर्ड इज हॉर्स, हॉर्स, ओके, एच ओ आर एस, हॉर्स, क्योंकि एस की साउंड क्या है, स, स, ओके, एच की साउंड है, ओ र, हॉर्स, ओके, ई जो है वो साइलेंट है, ओके। देन बकरी, शीप या गॉट, गॉट, जी ओ ए टी, गॉट। लूमड़ी की इंग्लिश क्या होती है, फॉक्स, फॉक्स, ये पीछे हम आई थिंक ऑक्स की बात कर रहे थे, एक्स की साउंड्स कर रहे थे, तब भी हमने ये वर्ड लिखे थे, बॉक्स, ऑक्स, फॉक्स, सो एफ ओ एक्स, फॉक्स, ये लुमड़ी की इंग्लिश है, फॉक्स। माउस, एम ओ यू एस ई, चूहा भी एक्चुअली मैमल है, क्योंकि ये भी एग ले नहीं करती इनकी फीमेल्स, बच्चे ही पैदा होते हैं डायरेक्टली, एम ओ यू एस ई, माउस। अब अगेन यहाँ पे कौन सा साइलेंट है वाउल, माउस, ई, गुड, क्योंकि एंड में ई है, यहाँ ओ यू पहले आ रहे हैं, तो माउस, इन दोनों की साउंड आ रही है, माउस। अब ये मैं मॉस नहीं बोल रही हूँ, माउस, माउस, एम ओ यू के साथ जो वॉइस पूरी थी वो माओ, जैसे एम ओ यू टी एच, माउथ, 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 माउथ क्या है, माउथ यानी मुंह को कहते हैं ना, मुंह क्या है, माउथ, एम ओ यू एस ई, अगर टी एच की जगह मैं ऐसे ही ले होता हूँ, माउस, माउस, चूहे की इंग्लिश है, इसको वैसे आप रैट भी कहते हैं, आर ए टी, रैट, रैट, ये भी मैमल है, क्योंकि हम मैमल्स की बात कर रहे हैं, और ये जितने भी एनिमल्स हैं ये सारे मैमल्स में आते हैं, और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो बहुत कॉमन वर्ड्स होते हैं, कॉमन एनिमल्स हम बताते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि लायन जो है वो शेर है, और उसकी जो फीमेल है वो क्या कहलाती है, लायनेस। ये हमने अभी मैस्कुलिन फेमिनिन आपको करवाए नहीं है, लेकिन एपिसोड में मैं आपको वो भी करवाऊँगी, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि मेल क्या कहलाता है और फीमेल क्या कहलाती है, तो ये चीज़ें भी हम पढ़ेंगे विद इन एनिमल्स एंड मैस्कुलिन फेमिनिन, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। अच्छा, जो लायन मेल कहलाता है, ठीक है, और जो उसकी फीमेल होती है वो क्या कहलाती है, लायनेस, एल आई ओ एन, सेम स्पेलिंग है, एल आई ओ एन इज लायन, ई डबल एस के साथ एस, लायनेस, ओके, लायनेस, दैट्स द फीमेल ऑफ लायन। लेपर्ड हमने किया, लायन की बात की, देर इज अनदर काइंड ऑफ स्पीशी कॉल्ड टाइगर, टाइगर, और फीमेल इसकी टाइग्रेस होती है, सो टाइगर, टाइगर इज ऑल्सो अ मैमल, ये भी एनिमल है, टाइगर, टी आई जी ई आर, टाइगर, ये भी शेर की ही एक काइंड है, लेकिन शेर क्योंकि उसके मेन होती है, यानी उसके गर्दन के राउंड बाल होते हैं, लेकिन जो टाइगर है उसके कोई बाल वगैरह नहीं होते, उसकी बॉडी के ऊपर स्ट्राइप्स होती हैं, ऑरेंज और ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं, आपने देखा होगा मूवी में या कहीं टीवी में, मैं नहीं चाहती आप असल में देखें, इट्स अ वाइल्ड एनिमल, तो वो वैसे में बात जू में ज़रूर देख लें, खुला देखें तो देन इट्स डेंजरस, असल में देखना है तो जू जाके देखें प्लीज़, वैसे इसको एक्सपीरियंस करने ना चले जाएँ, ओके, सो टाइगर इज़ अ वाइल्ड एनिमल ऑल्सो, लेकिन क्योंकि ये मैमल है, बिकॉज जो टाइगर फीमेल होती है वो भी डायरेक्टली बच्चे देती है, ओके, वन अनदर एनिमल ऑटर, ये पानी में ज़्यादा रहता है, बाहर भी लैंड पर आता है लेकिन पानी में भी रहता है और लैंड पर भी रहता है, पिक्चर आप अपने नोट्स में भी देख सकते हैं और आप भी देख पाएंगे पिक्चर्स, बिकॉज
उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा. ऑटर, OTTER, ऑटर. इसके फ्रंट टीथ जो होते हैं जिनको बेसिकली इंसाइजर कहते हैं, वो काफ़ी लंबे होते हैं और उससे ये कटिंग भी करता है, जो मतलब कि अपने लिए जो जगह बना रहा होता है या जो छोटे छोटे लॉग्स होते हैं ना वुड के, उनको आराम से काट सकता है क्योंकि उसके सामने जो इंसाइजर्स होते हैं फ्रंट वाले टीथ को कहते हैं, वो काफ़ी लंबे होते हैं. ओके, दीज आर ऑल अबाउट मैमल्स. बहुत सारे और एनिमल्स भी हैं, हम आगे करेंगे, लेकिन जब हम एंड करते हैं हमेशा बाइबल की बुक्स कर रहे हैं, हमारे पास थोड़ा टाइम रह गया. आज हम सिर्फ मैमल्स पे ही एंड करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम लोग आगे भी पढ़ेंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता हम कंटिन्यू रखेंगे ताकि आप सीखते रहें. ओके, हम बाइबल की बुक्स कर रहे थे और लास्ट टाइम हमने एंड किया था करिन्थियंस की बुक्स पर, फर्स्ट करिन्थियंस एंड सेकंड करिन्थियंस, बिकॉज पहला करिन्थियों और दूसरा करिन्थियंस को इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, करिन्थियंस, करिन्थियंस, ठीक है, करिन्थियंस. अच्छा, करिन्थियंस के बाद कौन सी बुक आ रही है? नहीं, गलातियंस है पहली, है ना, गलतियों शायद उर्दू में आप कहते हैं. ओके, दैट्स इंग्लिश में होती है गलातियंस, GALA गलातियंस, TIANS शियंस. ओके, गलातियंस, गलातियंस गलतियों की किताब है. आई डोंट नो, गलातियंस गलतियों की जो किताब है उसको इंग्लिश में कहते हैं गलातियंस, क्योंकि ये भी पॉल का लेटर था टू गलातियंस. दिस इज एपिसल. मैंने आपको उसमें भी बताया था कि इंग्लिश में एपिसल्स कहा जाता है, यानी ये लेटर्स पॉल ने, सेंट पॉलस रसूल ने लिखे थे जिन लोगों को, जिन एरिया से वो बिलोंग करते थे. जैसे करिन्थियंस का, उसका करिन्थियों का खत है, इसी तरह गलातियंस, दिस इज लेटर ऑफ सेंट पॉल टू गलातियंस. इसको गलतियों की किताब को गलातियंस कहते हैं. इसके बाद कौन सी बुक है? इफिजियन, आई थिंक इसके बाद है. इफिसियों की किताब, इफिसियों, यस, दैट इज इन इंग्लिश कॉल्ड इफिजियंस, इफिजियंस. अब अगैन देखें पीएच की क्या साउंड में बोल रही हूँ, फ, एफिजियंस, एफिजियंस. ओके, अब यहाँ इफिसियन नहीं कह रही, इफिसियन नहीं है, इसकी प्रोनाउंसिएशन एफिजियंस, एफिजियन. ये इफिसियों की जो किताब है उसको इंग्लिश में कहते हैं, अनदर एपिसल ऑफ सेंट पॉल टू द पीपल ऑफ इफिजियंस, तो इसलिए इस बुक का नाम है एफिजियंस. इफिसियों का खत है ना, पॉलस रसूल ने जो लिखा था, सो दिस इज एफिजियंस. ओके, ये मैंने पीछे बोलना आपने, गलातियंस, एफिजियंस, एफिजियंस. ई की साउंड क्या है? ए, तो एलिफेंट से एफिजियंस, तो आपने ऐसे ही प्रोनाउंस करना है. दैट इज इट, आज हम यहीं पे एंड करेंगे. सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर एपिसोड एंड होप यू विल कीप लर्निंग. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू.